इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे चाइना वाटर पंप और हुंडा वाटर पंप के बारे में, दोनों का स्पेसिफिकेशन बताएंगे, प्राइस बताएंगे और कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लेने में सुविधा हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एमके। आज आप लोगों को दिखाएंगे ये चाइना हुंडा वाटर पंप है, ये एग्रीकल्चर वाटर पंप है। इसका प्राइस बताएंगे, कहाँ मिलेगा बताएंगे, इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन बताएंगे, इसमें क्या क्या है, साथ ही साथ हुंडा WBK30XD मॉडल के साथ कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लेने में सुविधा हो। और ये ट्राई साइकिल चाइना वाटर पंप है, साथ ही साथ दोनों का प्राइस भी बता देंगे। ये तो देखिए पेटी से निकाल लिए हैं और इसके साथ जो फ्री मिलता है, एक फुटबॉल मिलता है, सेक्शन पाइप के नीचे जो लगता है पानी के साथ जो कचरा आता है वो नहीं आए, इसीलिए ये फिल्टर लगाया जाता है। और मिलेगा आप लोगों को क्या क्या दिखा देते हैं। देखिए स्पार्क प्लग रेंज मिलेगा एक और चारों माउंटिंग मिलेगा, ये फ्रेम के नीचे लगाया जाता है, रबर का होता है। साथ ही साथ कुछ कैलम मिलेगा जो सेक्शन पाइप को और डिलीवरी पाइप को टाइट करने में काम में आता है, ये सब आप लोगों को मशीन के साथ फ्री मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं 3 इंच केरोसिन वाटर पंप लिखा है, मॉडल है WP30K और चाइना वाटर पंप में जो स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ रहता है पेटी के साथ, ये पंप में मिलता नहीं है, चाइना वाटर पंप पे ये बड़ा चुड़ा के लिखा हुआ रहता है। अब आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं, सभी लोग चाइना वाटर पंप को चाइना हुंडा वाटर पंप कहता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, चाइना वाटर पंप अलग होता है, हुंडा वाटर पंप अलग होता है। चाइना वाटर पंप हुंडा जैसा देखने में होता है, इसीलिए इसको चाइना हुंडा वाटर पंप कहता है। चाइना वाटर पंप होता है, हुंडा हुंडा वाटर पंप होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है वीडियो में आगे बताएंगे। और सबसे ज्यादा चाइना ही चलता है, वो क्यों चलता है वो भी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए इस चाइना वाटर पंप में 5.5 HP का इंजन का पावर मिलेगा, लिखा है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस लिखा के साथ नहीं मिलता है, आप लोगों को पहले ही बताया है। तो देखिए ये रिकॉइल स्टार्ट है, रस्सी से टानने से इंजन स्टार्ट हो जाता है। और ये है फ्यूल कॉर्क, ये बीच में बंद होता है, ऊपर स्टार्ट होता है, मतलब पेट्रोल जाता है। देखिए स्टार्ट लिखा है इस सिम्बल, और नीचे रन बीच में बंद, रन मतलब रनिंग, केरोसिन में चलेगा नीचे तरफ इधर, और बीच में बंद, पूरा फ्यूल सिस्टम बंद हो जाएगा। और ये है थ्रॉटल लीवर, इसमें इंजन RPM कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें पानी कम ज़्यादा भी होगा। और ये है चोक्ड लीवर, इधर हो गया चोक्ड ऑन और इधर हो गया चोक्ड ऑफ। और ये है फ्यूल लीवर, कार्बोरेटर में जो फ्यूल जाता है इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं और कम ज़्यादा फ्यूल भी कर सकते हैं वो नॉब एडजस्ट करके। आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं, ये है एयर फिल्टर, एयर को फिल्टर करके इंजन के अंदर जाता है। ये है माफलर, साइलेंसर भी कहते हैं। और ये है OHV मतलब ओवरहेड वाल्व इंजन है इसमें। और हुंडा का जो वाटर पंप होता है, देखने में दोनों सेम लगता है, लेकिन हुंडा का वाटर पंप क्वालिटी अच्छा होता है। और ये है कार्बोरेटर, और ये है कार्बोरेटर फ्यूल ड्रेन स्क्रू। इस स्क्रू का काम क्या है बता देते हैं। इस ड्रेन स्क्रू का काम है, जब भी इंजन आप लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे बार, तो कार्बोरेटर का जो केरोसिन रहता है, इस स्क्रू को ढीला करके कार्बोरेटर का केरोसिन निकाल लेना होगा। आप बताते हैं हुंडा जो वाटर पंप है, ये देखने में सेम है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिकेशन रहता है हुंडा वाटर पंप में, स्पेसिफिकेशन जो लिखेगा कंपनी वो सेम टू सेम रहेगा, चाइना में उतना नहीं रहेगा जितना लिखेगा। चाइना वाटर पंप और हुंडा वाटर पंप इंजन साइड देखने में सेम है, लेकिन वाटर पंप जो है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है आप लोगों को बताएंगे। देखिए ये जो चाइना वाटर पंप है, ये सेक्शन कैपेसिटी है 3 इंची और डिलीवरी भी देता है 3 इंची। और ये वाटर पंप है सेल्फ प्राइमिंग वाटर पंप होता है। सेल्फ प्राइमिंग वाटर पंप मतलब ऑटोमेटिक पानी खींच लेता है, सेक्शन पाइप में पानी डालना नहीं होता है। और ये पंप डिलीवरी भी देता है 3 इंच। और ये वाटर पंप का पानी खींचने का जो कैपेसिटी है, 1 मिनट में 800 लीटर पानी खींच पाता है चाइना वाटर पंप पर। आप बताते हैं हुंडा वाटर पंप के बारे में, हुंडा वाटर पंप 1 मिनट पर 1100 लीटर पानी खींच पाता है हुंडा वाटर पंप। और हुंडा वाटर पंप का सेक्शन कैपेसिटी है 30 फुट नीचे पानी खींच ले पाता है, और हेड कैपेसिटी होता है 75 फुट, सीधा सीधा 75 फुट ऊँचाई तक पानी ले जाता है हुंडा वाटर पंप पर, और जमीन पर 1000 फुट तक डिलीवरी ले लेता है। और हुंडा वाटर पंप देखने में बड़ा है, चाइना वाटर पंप और इंजन दोनों से ही अच्छा होता है। हुंडा वाटर पंप क्वालिटी भी अच्छा है, लॉन्गजीविटी भी ज़्यादा करता है। और ये है ऑयल अलर्ट, ऑयल अलर्ट का काम है इंजन को सीज होने से रोकता है। इंजन पर इंजन ऑयल नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक इंजन बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये नोट कीजिएगा, मान लीजिए आपका इंजन पर इंजन ऑयल नहीं है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, फिर इंजन ऑयल डालेंगे तो इंजन स्टार्ट होगा,
यही काम है इसका। और ये है इंजन ऑन ऑफ स्विच, इस स्विच से इंजन ऑफ होता है और ऑन करके इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। और ये है ऑयल एला ड्रेन नट, इस नट से ऑयल ड्रेन होता है और इससे इंजन ऑयल डाला जाता है। इसमें इंजन ऑयल लगता है 600 ml, ये लेवल पर देने से ही अच्छा होगा। और इसका इंजन ऑयल ग्रेड है 10W30, 20W40 भी डाल सकते हैं चाइना वाटर पंप पर। और ये है गैसोलीन टैंक, मतलब पेट्रोल यहाँ पर डाला जाता है और कैपेसिटी है 300 से 400 ml लगता है अप्रॉक्स इसका जो टैंक कैपेसिटी है। और ये है केरोसिन टैंक, केरोसिन टैंक का जो कैपेसिटी है वो 3.1 लीटर है अप्रॉक्स। और ये केरोसिन पर चलता है, पेट्रोल पर स्टार्ट होता है और हुंडा वाटर पंप पेट्रोल से चलता है। आप बताते हैं इस चाइना वाटर पंप का प्राइस, तो इस चाइना वाटर पंप का प्राइस होता है 8000 से शुरू होता है और इसका 12000 तक मिलता है चाइना वाटर पंप। लगभग सभी एक ही होता है, सिर्फ लेवल अलग अलग होता है। और ये मिलता है कहाँ, तो चाइना वाटर पंप सभी मशीनरी दुकान पर मिलता है। चाइना वाटर पंप का कोई डीलर या ऑथोराइज दुकान नहीं होता है। आप बताते हैं हुंडा वाटर पंप का प्राइस, WB30XD मॉडल का प्राइस है 26600 और उस वाटर पंप पर 2 साल का वारंटी मिलता है हुंडा वाटर पंप पर। और ये चलता है सबसे ज़्यादा चाइना वाटर पंप, प्राइस कम होने के लिए सभी लोग इसको पसंद करता है ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सेल होता है चाइना वाटर पंप। आप बताते हैं ये वाटर पंप कैसे सर्विस देता है, तो 1 घंटा चलने पर 800 ml केरोसिन लग जाता है अप्रॉक्स। लोड के हिसाब से ये हेरफेर होता है, लोड ज़्यादा रहने से ज़्यादा लगेगा, कम रहने से कम लगेगा। और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, चाइना वाटर पंप पर फुल लोड पर चलाते हैं तो 2.5 से 3 घंटा चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ज़्यादातर वाटर पंप पर ऐसा होता है, हुंडा वाटर पंप पर ऐसा नहीं होता है। तो आज का वीडियो में आप लोगों को वाटर पंप के बारे में जानकारी देने की कोशिश किए हैं। इसी तरह नया नया वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो टेक्निकल हेल्प MK चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।